Hi everyone, hope you all are energized and motivated for the day. हम अक्सर motivation की बात करते हैं. We need to talk so much about motivation. शायद इसलिए कि ऊपर वाले ने हमें एक विशेष गुण दिया है, that is to acquire knowledge. ये हमारा स्वभाव है कि हम कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ सामान्य से भी असामान्य करना चाहते हैं, एंड जिसकी वजह से हम अपनी डिजायर को, हम अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए मोटिवेट हो पाते हैं. विलियम जेम्स के शब्दों में, एक्शन मे नॉट ऑलवेज ब्रिंग हैप्पीनेस बट देयर इज नो हैप्पीनेस विदाउट एक्शन. मोटिवेशन एक ऐसा पुश है जो हमको हमारे गोल तक पहुंचाता है, हमारे काम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है. अगर आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो यू हैव टू फाइंड आउट रीजन. हो सकता है आप अपने आप पे डाउट कर रहे हो, आपको लग रहा हो कि आपसे ये नहीं हो पाएगा, आप अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि आप इस काम को करने का चैलेंज लेने का जो स्ट्रेस है उसको बियर कर पाएंगे. ये भी हो सकता है कि आपने ये कमिटमेंट, ये रिजोल्यूशन पीयर प्रेशर या फैमिली के प्रेशर में आके लिया हो, एंड यू लैक सेल्फ इंटरेस्ट. और ये भी हो सकता है कि यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट एज पर योर एक्सपेक्टेशन. जो फ्रीक्वेंट फेलियर्स हैं वो भी डीमोटिवेशन का कारण हो सकते हैं. समटाइम हम लो फील करते हैं, इट्स नॉर्मल. फिर हम मोटिवेटेड हो जाते हैं जब हम किसी ग्रेट पर्सनैलिटी की बायोग्राफी पढ़ लेते हैं, कोई वेबिनार अटेंड कर लेते हैं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लेते हैं, पॉडकास्ट सुन लेते हैं, या किसी की सक्सेस स्टोरी सुन लेते हैं. इट्स ओके टू गेट मोटिवेटेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स. नाउ क्वेश्चन अराइजेज, हाउ टू गेट सेल्फ मोटिवेटेड. मोटिवेशन क्लैरिफाइज गोल्स. वंस योर गोल इज क्लियर, मोटिवेशन उसको एक पुश देता है एंड यू अचीव इट. मोटिवेशन सेट्स प्रायोरिटी इन लाइफ. सपोज आपका गोल है 6 मंथ में एक बुक लिखना, तो आप प्रायोरिटी बेसिस पे उसके लिए टाइम निकालेंगे एंड यू विल अचीव द गोल. मोटिवेशन आपको फोकस रखता है, आपको कमिटेड रखता है, एंड फाइनली यू अचीव योर गोल. मोटिवेशन पुशेज यू थ्रू सेटबैक्स. हर एक की जिंदगी में सेटबैक्स आते हैं, जिंदगी हमेशा एक सी नहीं होती है, तो मोटिवेशन आपको स्ट्रेंथ देता है और आप फिर दोबारा से कोशिश करते हैं. अक्सर हम फेलियर के डर से काम शुरू ही नहीं कर पाते हैं. मोटिवेशन हमें फियर से लड़ना और गोल अचीव करना सिखाता है. मोटिवेशन टीचेज अस परसिवरेंस. हमारा मन हजार बहाने ढूंढता है काम न करने के, और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है हम इजीली गिव अप कर देते हैं. हो सकता है ये लास्ट ट्राई ही हमारी सफलता की सीढ़ी हो. जब रियलिटी हमें गिव अप करने को कहती है तो मोटिवेशन हमें परसिवरेंस सिखाता है. मोटिवेशन बिल्ड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस. जब हम मोटिवेटेड होते हैं तो हम अपने गोल को अचीव करते हैं और बदले में हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और ये कॉन्फिडेंस हमें फिर नए काम करने के लिए कॉन्फिडेंट करता है. दिस वे वी कीप अचीविंग अवर गोल्स. जब हम किसी कॉन्फिडेंट पर्सन से मिलते हैं तो उसकी वाइब्स हमें इंस्पायर करती हैं. हम उसकी एनर्जी लेवल को अपनी एनर्जी लेवल से अलाइन करते हैं और हम मोटिवेटेड हो जाते हैं. एंड सेम हैपन्स व्हेन अ पर्सन मीट्स विद अस व्हेन वी आर मोटिवेटेड. सो माय डियर, कुछ समय लीजिए, सोचिए व्हाट एग्जैक्टली यू वांट फ्रॉम योर लाइफ. डेवलप अ प्लान. सबके लिए सेम स्ट्रैटेजी काम नहीं करती. डू एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड आउट विच स्ट्रैटेजी इज बेस्ट टू कीप यू टू रीच योर गोल. सो नाउ लेट अस टॉक हाउ मोटिवेशन हेल्प्स अस. सेल्फ मोटिवेशन इज अ फोर्स दैट ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स. टेक द एग्जाम्पल ऑफ लूजिंग वेट. जब तक आप अपने आप से मोटिवेटेड नहीं है, तब तक आपका कोच, आपके फ्रेंड्स, नो वन एल्स कैन पुश यू
टू अचीव द डिजायर्ड गोल. वंस यू डिसाइड दैट डिजायर विल मोटिवेट यू टू अचीव द गोल. आप कंसिस्टेंट एफर्ट करेंगे, आप अपने आप से अपने आप को जज करेंगे एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग डिजायर्ड रिजल्ट यू विल लुक फॉर ऑप्शंस एंड यू विल फाइंड द राइट ऑप्शन एंड फाइनली यू विल अचीव योर गोल. दिस इज कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन ओनली टेक्स पॉजिटिविटी फ्रॉम देयर सराउंडिंग. कीप योर सेल्फ मोटिवेटिंग एंड टर्न योर ड्रीम्स इन टू रियालिटी. अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.